नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर अभी मैंने आपको एक वीडियो शक्तिशाली बनने के लिए दिया। अब मैं देखिए, मुझ पे कहीं इस तरह के कमेंट्स करते हैं मेरी बहन बेटियां कि आप बड़े बड़े आदमियों को और औरतों की दवाइयां बताते हैं, छोटे बच्चों का क्यों नहीं ख्याल रखते। अरे छोटे बच्चे तो मेरे को सबसे प्रिय हैं, छोटे बच्चे हैं वही तो बड़े होकर के देश को संभालेंगे, सबको संभालेंगे, तो उनको हम पीछे नहीं छोड़ते। छोटे बच्चों का भी हमें ख्याल है, तो छोटे बच्चों के लिए मैं दो तीन नुस्खे आपको दूंगा, उनको बना करके देने से उनकी हर प्रॉब्लम ठीक होगी। पहला जो नुस्खा है उसका नाम है बाल रक्षक गोली। बाल रक्षक गोली एक नाम तो देना होता है। हाँ, इसको बनाने का अगर बहन बेटी कोई लिखती हैं, बाई बीडिंग वपूता और काला नमक, चिरायता, इंद्रजय, मीठी सौंठ, हरडे, डिकामाली, बच, जायफल, जायपत्री, करंज के बीज, भुने हुए पितपापड़ा, कुटकी, काली जीरी, कोलमो, अतीस, एलुआ, उसा रेशन, मरोड़ फली, ये सब वस्तुएं बराबर लेकर के चूरण कर लें और 6 घंटा तक घुटाई करके अदरक के रस के अंदर छोटी छोटी गोलियां बना लें। तो बच्चों को कब्जियत होती है या कोई पेट में दर्द होता है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो 1-2 गोली नीचे से घिस करके और शहद में मिला के 2 बार चटा दें तो आराम आ जाएगा। मैं एक बार और बोल देता हूँ, इसमें कंटेंट्स हैं बाल रक्षक गोली के अंदर बाई बीडिंग वापुआ और काला नमक, चिरायता, इंद्रजो मीठी, सौंठ, हरड़, डीका माली, बच, जायफल, जायपत्री, करंज के बीज, भुने हुए पित पापड़ा, कुटकी, काली जीरी, कोलमो, अतीस, एलुआ, उषा रेचन, मरोड़ फली, ये सब चीज़ों को चूर्ण बना करके छोटी छोटी गोलियां बना के सुखा लें और सुबह शाम बच्चों को देने से उनकी खांसी भी ठीक होगी और कब्जियत भी ठीक होगी और पेट का दर्द भी ठीक होगा। अगला नुस्खा मैं फिर छोटे बच्चों के लिए, इस गोली का नाम है, पहले वाली गोली का नाम बाल रक्षक गोली, दूसरी वाली का नाम दिया है मैंने, नहीं पहले वाली का बाल रक्षक गोली, दूसरी वाली का बालों बालकों की गोली, छोटे जो बच्चे होते हैं बालकों की गोली या बालकों की गुटी का। अब इसके कंटेंट्स मैं आपको बोलता हूं, जायफल, जावित्री, दालचीनी, लौंग, इलायची, अजमोद, सफेद मिर्च, वापुआ, बाई बीडिंग, सोवा, काला नमक, हरडे, चिरायता, करंज के भुने हुए बीज, अतीस और अनार का छिलका, पीपला मूल, बंस लोचन, एलुआ, हीराबोल, खसखस, लोबान और केसर, ये सब चीजें बराबर मात्रा में लेकर बारीक चूरन बना लें, फिर शहद के अंदर घुटाई करके मूंग के आकार की गोलियां बना लें। छोटे बच्चों को जो 3 से 10 साल तक है, 1 से 2 गोली दिन में 2-3 बार देने से बच्चों का पतले दस्त बंद होंगे, उल्टी आती है तो बंद होगी, बच्चों का इंडाइजेशन है तो वो ठीक होगा और मंदांगिनी, खाया पिया हजम नहीं होता है, वो ठीक होगा, कमजोरी ठीक होगी, कब्जियत ठीक होगी और शरीर में और भी कोई दोष है वो दूर होगा और शरीर के अंदर कोई चीज खाएगा तो उसका पाचन होकर के और बालक को वो निरोग बनाएगा। ये बहुत प्यारा और सुंदर नुस्खा है, मैं इसको एक बार आपको और बोल देता हूं, आप लिखना चाहें। हाँ, बालकों की दवा, जायफल, जावित्री, दालचीनी, लवंग, इलायची, अजमोद, सफेद मिर्च, वपुआ, वाई बीडिंग, सोवा, काला नमक, हरडे, चिरायता, करंज के भुने हुए बीज, अतीस, अनार का छिलका, पीपला मूल, बंस लोचन, एलुआ, हीराबोल, खसखस, लोबान और केसर, ये सब चीज़ें आप बराबर मात्रा में लाएं, चाहे 10-10 ग्राम लाएं और
इनको कूट पीट करके और शहद में खूब गुटाई करके मूंग के आकार की गोलियां बना के सुखा के रख दें। बच्चों को पतले दस्त आए ठीक हो जाएंगे, एक दो तीन गोली देने से उल्टी बंद होगी, अजीर्ण बंद होगा, मंदांगनी ठीक होगी, कब्जियत ठीक होगी, शरीर मजबूत बनेगा, खाया पिया अन्न लगेगा। अब मैं और छोटे बच्चों के लिए, इसको बोलते हैं डब्बा नाशक गोली। डब्बा नाम की एक बीमारी होती है जो पसली से संबंधित होती है, देसी भाषा में उसको डब्बा की बीमारी बोलते हैं, तो इसको खत्म करने की गोली। हाँ, इसके अंदर सत्यानाशी के बीज और उषा रेशन बोलते हैं, रेवत चीनी का जो सत आता है उसे उषा रोशन बोलते हैं। मैं एक बार फिर बोल देता हूं, सत्यानाशी के बीज और उषा रेशन, इसको बोलते हैं जो रेवत चीनी आती है उसका सत्व है, ये आप मांगेंगे तो आपको पंसारी देगा। इसका नाम है उषा रे रे चन। तो सत्यानाशी के बीज और उषा रे रे चन यानी कि रेवंत चीनी का सत, ये दो ही चीज लेकर के और सत्यानाशी का ही रस निकालें और इसकी खूब गुटाई करके उड़द के आकार की गोलियां बना लें। देखिए, ये हर बच्चों के डिब्बे रोग के लिए बहुत रामबाण दवा है, थोड़ी सी मेहनत करो, एक से दो तीन गोली बच्चों को आप दें तो इसके प्रयोग से बच्चों का डब्बा रोग ठीक होगा, दस्त और उल्टी कराकर रोग को शांत करती। देखिए, ये दवा देने के बाद दस्त और उल्टी हो सकती है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखने की जरूरत है। ये जब बाहर निकल जाएगा कफ वगैरह जमा हुआ दोनों रास्तों से तो बालक आपका निरोग होगा, इस चीज को ध्यान में रखें फिर प्रयोग करें। ऐसा नहीं समझें कि ये गोली देने के बाद मेरे बच्चों को उल्टी हो गई, गलत न लें इसको। सत्यानाशी के बीज और उषा रेरेचन यानी कि रेवंत चीनी का सत्य, दो ही चीज है, इनको बराबर लेकर सत्यानाशी के ही रस के अंदर घोट कर उड़द के लिए बराबर गोलियां बना के दो तीन गोली देने से ये आराम भी करती है और बच्चों को एक आध उल्टी और दस्त होने के बाद डब्बा रोग ठीक हो जाता है। अब मैं बालकों के लिए एक गोली और बता देता हूं, फिर देखिए समय हो गया है। हाँ, इस गोली का नाम है, मैंने रखा है बाल जीवन वट्टी। इसके कंटेंट मैं बोलता हूं, देखिए, गोरोचन 3 मासा, एलुआ 6 मासा, उषार रेवंद यानी कि वो रेवंद चीनी का सत्य और केसर, कटेली का जीरा, जवाखार और सत्यानाशी के बीज, ये प्रत्येक दो दो तोला ले और कूट पीट करके अदरक के रस में 6 घंटे घोत के और मूंग के आकार की गोली बना ले। मैं एक बार और समझा देता हूं, बहुत सरल। गोरोचन पंसारी के मिलेगा, गोरोचन 3 मासा, एलुआ 6 मासा, उसका रेवंद मतलब जो रेवंद चीनी है, रेवंद चीनी आती आयुर्वेद में, उसका जो सत है, तो गोरोचन 3 मासा, एलुआ 6 मासा और रेवंद चीनी का सत्य और केसर, कटेली का जीरा और जवाखार और सत्यानाशी के बीज, ये सब दो दो तोले लेकर के कूट पीट के अदरक के रस में 6 घंटे घोट के मूंग के आकार की गोली बना ले। एक से दो तीन गोली देने से माँ के दूध के साथ भी दे सकते हैं अगर बहुत छोटा शिशु हो तो, माता के दूध के साथ या शहद के साथ दें, ये बच्चों का डब्बा रोग भी ठीक करेगी, कब्जियत ठीक करेगी, बच्चों को पेशाब में अगर रुकावट है उसको ठीक करेगी, बच्चे का पेट बड़ा हुआ दिखता है आफरा फ्लूटूनेंस उसको ठीक करेगी, बच्चे को अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो उसको ठीक करेगी और बच्चा आपका निरोग रहेगा। तो दोस्तों, आज मैंने एक ये वीडियो, उसके अंदर छोटे बच्चों के लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे गोलियां अपनी तरफ से बताई है और आप इनको काम में लें और अपने बच्चों को स्वस्थ करें, निरोग करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।